हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो होने वाली है विंटर स्पेशल। तो विंटर्स आ गई हैं और विंटर्स के लिए हम कुछ वीडियो ना बनाएं, कुछ हॉल ना बनाएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए विंटर शॉल्स। शॉल्स में मैंने कुछ सिलेक्ट किए हैं, लाइक कुछ मैंने मंगाया है वुलन, कुछ मंगाया है वेलवेट से रिलेटेड, हाँ, और मंगाया है मैंने एक शॉल पश्मीना का। तो ज़्यादा नहीं है, 3 to 4 पीसेस हैं जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बहुत ही शॉर्ट एंड क्विक वाला हॉल। करते हैं हॉल स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, ये हैं वो सारे पैकेट जो मैंने मंगाए हैं। कुछ मैंने अनबॉक्स कर दिए हैं, कुछ नहीं किए हैं। तो चलो वन बाय वन देखते हैं खोल के कि ये कैसे हैं और कैसे लगते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पे जो ओपन है, मैं यही बात को दिखा देती हूँ। फर्स्ट जो ओपन है, ये हम देख लेते हैं। इसकी पिक्चर आप साइड में रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। एंड यस, ये एक फर वाला शॉल है, फर वाला शॉल है। आप देख सकते हैं कि इसके कितने प्यारे फर हैं इसमें, बहुत ही प्यारे प्यारे से फर हैं। पीछे से ये इस तरीके का फैब्रिक है इसका, मतलब वो वूवन होता है ना, वूवन वाला फैब्रिक है ये। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा बेज कलर में। इसमें नीचे दो लटकन दी हुई हैं जिसको टेसल या मतलब क्या बोलते हैं यार, मुझे तो इसको पता नहीं, बट हाँ बहुत। इसके फर भी बहुत सॉफ्ट है, लेंथ भी बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है इसका। मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा। आप इसे साड़ी के साथ स्टाइल कीजिए, आप किसी भी तरीके से इसको कैरी कर सकते हैं। आप स्टाइलिंग वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो आप उसे देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बट ये वाला तो मुझे अच्छा लगा, रीजनेबल प्राइस में है। प्राइस मैं आपको साइड में मेंशन कर दूँगी। इसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं, आप उनमें से कोई भी चेकआउट कर सकते हैं। पर्सनली मेरे पास ये वाला कलर नहीं था तो मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये वाला, इसमें देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये वेलवेट में है बट जैसे कि आप देख सकते हैं इसका फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा सी थ्रू है। मेरे को आप देख ही सकते हैं वीडियो में भी कि ये सी थ्रू है। बट मुझे इसका कलर, इसका जो कलर है ना, ये मतलब वाइन, डार्क वाइन जो होता है, पिंक कलर है। इस पर ये गोटा पट्टी का काम हो रखा है, आप देख सकते हैं काम तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। बीच बीच में ऐसे इसमें एक दो फ्लावर आए हुए हैं, काम तो बहुत सुंदर है। बट मैं बस एक ही चीज़ से अनहैप्पी हूँ, इसकी लेंथ भी प्रॉपर है, जितनी लेंथ होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर लेंथ है इसकी। बट एक ही चीज़ से मैं इसकी अनहैप्पी हूँ, वो है क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक। मुझे इसकी क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगर इसकी क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक होता ना तो बहुत ही सुंदर लगता है ये गाइस, बहुत ही प्यारा लगता। मतलब विंटर्स में तो वेलवेट बहुत ही ज़्यादा इन होता है, वेदर इट्स ए दुपट्टा शॉल नहीं लग रहा है मुझे, ये दुपट्टा ज़्यादा लग रहा है। देखो ये है इसका स्टाइलिंग। आप इसे अगर परचेज करना चाहते हैं एज अ दुपट्टा, दुपट्टे की तरह आप इसे ले सकते हैं, बट ये शॉल नहीं है। क्योंकि अगर आप शॉल की तरह लेंगे तो आपकी ठंड बिल्कुल भी नहीं रोकने वाला। लेकिन हाँ, अगर वो हैवी वाला वेलवेट होता तो फॉर श्योर ये आपकी ठंड रोकता और बहुत ही सुंदर लगता इस विंटर सीजन में। एंड ऑल टुगेदर अभी वेडिंग सीजन भी चल रहा है तो उस पर्पज़ को सोचते हुए मैंने ये मंगाया था। बट स्टिल आई एम अनहैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, बट एनीवेज कोई बात नहीं। नेक्स्ट दिखा, नेक्स्ट है हमारा ये पश्मीना शॉल। आप इसके पिक्चर साइड में देख सकते हैं। तो उस पिक्चर के अकॉर्डिंग ये कुछ ऐसा आया है। ये पूरा का पूरा कालीन वर्क में है, इसमें कानी वर्क हो रखा है। बीच में ये फ्लोरल कानी वर्क है, साइड में आप देख सकते हैं कि बॉर्डर बना हुआ है। एंड इसके नीचे ये जो एंड है इसका बॉटम में और फ्रंट में दोनों तरफ आपको सेम ये सेम वर्क मिल जाएगा, फ्लोरल वाला कानी वाला जो भी होता है बॉर्डर में। पीछे ये कुछ इस तरीके से ये थ्रेड वर्क आपको इसमें देखने को मिलेगा, देखिए आप देख सकते हैं। शॉल ऑल टुगेदर बहुत प्यारा लग रहा है। आई पर्सनली लाइक द कलर ऑफ द शॉल एंड स्टाइल ऑफ द शॉल, बहुत ही सुंदर है। एंड लव द डिज़ाइन, लव द कलर। इसमें भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आप उसे ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। बट मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है, ये वर्क इसका कितना सुंदर है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये कश्मीरी शॉल है,
तो मतलब वेट में अगर मैं बात करूँ तो वेट में काफी मतलब हैवी लग रहा है, काफी हैवी इन द सेंस कि स्टॉल के हिसाब से और पश्मीना के अकॉर्डिंग ये बहुत मतलब वेटिश है, ऐसा नहीं है कि बहुत हल्का सा पतला सा स्टॉल टाइप में है, नहीं ये काफी हैवी है और लुक भी इसका रिच लग रहा है बहुत ही ज्यादा। इस तरीके से आप इसे स्टाइल कर सकते हैं, प्योर तो नहीं है बट ये स्टॉल फॉर्म में है, ज्यादा गर्म है नहीं है फिर ये मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगी, बट यस थोड़ा लग रहा है मुझे फील करने में ठंडा होगा क्योंकि प्योर पश्मीना फैब्रिक तो नहीं लग रहा है मुझे ये, बट स्टिल कॉपी ऑफ द पश्मीना है तो आप इसके साथ जा सकते हैं मतलब आप इसके साथ जा सकते हैं, इतने प्राइस में यार इतना ही मिलेगा, प्योर पश्मीना तो नहीं मिलेगा, बट यस कॉपी ऑफ द पश्मीना अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, डिज़ाइनों ने काफ़ी हद तक कॉपी करने की कोशिश की है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग, आप इसे साड़ी एंड सूट के साथ एनी वेज आप इसे स्टाइल कर सकते हैं। तो यस ये इसका फाइनल लुक, चलिए फिर नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑफ दिस हॉल, तो मैंने बताया था कि बहुत ही छोटा सा मिनी सा हॉल है बट स्टिल मैंने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मंगाए हैं, जो मुझे लगा कि हाँ मतलब ये मुझे इंक्लूड करनी चाहिए या फिर इस सीजन में मुझे रीजनेबल लगा वो मैंने इंक्लूड किए। तो नेक्स्ट है ये पिक्चर, आप साइड में देख ही सकते हैं, ओपन कर लेते हैं इसको। दिस इज इन द कलर ऑफ ब्लैक, यस ये ब्लैक कलर में है, ये भी वेलवेट है, वेलवेट के फैब्रिक में मैंने मंगाया है, बट यस ये उससे थोड़ा कम सी थ्रू है, वो ज़्यादा सी थ्रू है ये उससे कम, थोड़ा कम सी थ्रू है, इसका जो फैब्रिक है उससे थोड़ा बेटर है, थोड़ा और शाइनी शाइनी फैब्रिक है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, और उस पर यहाँ पर ये स्टोन्स का स्टोन लगे हुए हैं एंड इधर यहाँ पर ये सरवोस्की का काम हो रखा है, आप देख सकते हैं, देखो सरवोस्की सरवोस्की का काम हो रखा है और ये बाकी पे इस पर स्टोन लगे हुए हैं इस तरीके से। ये है इसका फाइनल लुक, एंड में ये कुछ बीड्स वर्क दिया हुआ है इन्होंने, पर्ल लगा दिए हैं चारों कॉर्नर्स पे इस तरीके से, इसको थोड़ा सा अच्छा सा लुक देने के लिए। बट अगर मैं बात करूँ कि ये क्या ये शॉल का या स्टोल का लुक दे रहा है, तो आई वुड जस्ट से कि ये एक पीस ऑफ क्लॉथ है वेलवेट का जिसपे इन्होंने थोड़ा सा सरवोस्की का काम कर दिया, बट मैक्सिमम सरवोस्की वर्क वाले आपको क्लोथ्स भी मिल जाएंगे प्रॉपर, उनको कट करके जस्ट उन्होंने एक कोशिश की है स्टोन बनाने की। अगर इस पे हम बॉर्डर लगाते हैं तो और भी ज़्यादा ही अच्छा लगेगा, अगर आप चाहें तो आप इसे लेकर इस पे बॉर्डर अलग से लगा सकते हैं और इसे और ज़्यादा रिच लुक दे सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको सिंपल रखना तो ये सिंपल ऐसे भी बेटर लग रहा है, बट हाँ पहले वाले वेलवेट से तो ये थोड़ी काफ़ी बेटर है, सुंदर लग रहा है और आप इसे पार्टी में अगर स्टाइल करना चाहें तो आप इसके साथ जा सकते हैं, इतना बुरा नहीं लग रहा यार। प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग अभी मुझे इसका एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है, मैं मेंशन कर दूंगी, प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग तो ये सही लग रहा है, फैब्रिक भी बड़ा सॉफ्ट मतलब टची टच बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है, मतलब जैसा होता है वेलवेट, रिच वाला नहीं है और लो वाला भी नहीं है, मीडियम वाला है, सो बेटर लग रहा है। आप देखो इसकी क्वालिटी मुझे नहीं समझ आ रहा कि आपको कैमरे में दिख रही होगी या नहीं, बट यस काफ़ी हद तक ठीक लग रहा है ये। यस ये इसका लुक कैसा लगा आपको लोग। सो ये थे हमारे फोर शॉल्स जो मैंने अमेजोन से मंगाए, और भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, मैंने सोचा कि कुछ मतलब अफोर्डेबल ही रखती हूँ इनको, ज़्यादा हाई रेंज में नहीं रखती, तो आई होप आपको आज का हॉल अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड यस डू कमेंट अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा इसमें से, लिंक मैं सारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, एंड प्लीज़ डू सजेस्ट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, कुछ बाय बाय, लव यू ऑल।